ये एक नेक विचार है जो होटल में लिखा था। इसका मीनिंग ये है कि जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है, जिसने भी आपको हर्ट किया है, आप उनको सजा दे सकते हो, फिर भी आप चुप हो, क्योंकि आप में बहुत सहनशीलता और आप बहुत धैर्यशाली हो। यही अर्थ है इसका। हाय हेलो विवश, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं खड़ी हूँ अपने किचन में, अभी बना रही हूँ वो कल का ही वो सट्टू का पराठा बनाना है। तो आटा, ये फिलिंग और कर्ड सभी कुछ लेकर रखी हूँ। यहाँ विंडो है, विंडो मैंने ओपन किया है, ठंडी हवा आ रही है। ठीक है, आज मैं पार्लर गई थी तो वहाँ पर क्या हुआ, मैं आईब्रो बनवा रही थी तो एक लेडी आ गई जो उनकी बेटी 14 साल की एक बेटी थी। तो वो लेडी मैं आईब्रो बनवा रही हूँ, वो लेडी आकर बैठी, शायद होगी 35 ईयर्स की। तो बैठकर बोलने लगी, ब्यूटिशियन को बोल रही है, आपको पता है मुझे एक लास्ट विश है। तो ब्यूटिशियन ने पूछा कि क्या लास्ट विश है, मुझे एक बार लाइफ में जीन्स पैंट पहनना है। पता है मैं इतना, मैंने बोला ब्यूटिशियन को, एक मिनट प्लीज रुको, वेट वेट, मुझे हंसने दो। इतना हंस रही कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैंने हंस रही, बाद में मैं भी सबके साथ मिलती हूँ, बात करती हूँ, ऐसा मेरा रिजर्व कैरेक्टर नहीं है। कोई अगर कुछ ओपन अप होके बात करते रहते हैं फ्रेंडली, तो मैं उनके साथ बहुत ही फ्रीली बात करती हूँ। तो उन्होंने बोल रही, मैंने बोला सबको क्या क्या, मतलब दुनिया में बहुत लोग क्या क्या अपने लास्ट विश, अपना एक डिजायर, अपना एक मन में इच्छा इच्छा रखते हैं, क्या क्या करने की इच्छा, किसी को कार लेने का, किसी को विदेश जाने का, किसी को ये सभी कुछ होता है। आपको क्या ये जीन्स पैंट पहनने का विश है, आपको इच्छा है, क्यों? मैंने पूछा, क्योंकि मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ट्रेडिशन ऑर्थोडॉक्स मॉम है मेरी, मुझे जीन्स पैंट पहनने नहीं देती। उनकी शादी हुई, उनकी उनकी बच्ची भी है 14 ईयर्स की, और ठीक है वो अपने गाउन, मतलब गाउन पर ही, वो वही ब्यूटी पार्लर के पास ही उनका घर होगा शायद, तो गाउन में ही आई है। तो ब्यूटिशियन बोल रही थी, नहीं ये हम कभी कभी आते रहते हैं, ऐसे ही उनका जोक्स और बातें, फन सभी कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया ऐसा मेरी मॉम को अच्छा नहीं लगता। मेरी मॉम हर बात में हिटलर है, मेरी मॉम हर बात में रिस्ट्रिक्शन, शादी के बाद भी स्ट्रिक्ट करती है, फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करने देती, और मुझे तो पहनना ही पहनना है, जीन्स पैंट पहनना है। मेरी बेटी को पसंद है, मेरी बेटी बोलती है ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े मत पहनो, जीन्स पहनो, ये पहनो, वो पहनो, सबकी मम्मी की वो बेटी बोलती है। लेकिन उनकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं है भगवान, मैंने मुझे ना कभी कभी ऐसा फीलिंग होता है, ये क्या मैं खुद मिरर में खुद को मैं देख रही हूँ क्या, मैं खुद को मिरर में देख रही हूँ क्या, यूनिवर्स मुझे कुछ मैसेज भेज रहा है क्या, कहीं से कोई याद कर रहा है, ऐसा कुछ सडनली होता रहता है। और बता रही थी उनकी मम्मी गोल्ड ज्वेलरी जो होते हैं उनकी बहुत दीवानी है, और वो दिखा रही है मेरी मम्मी ऐसे बड़े बड़े गहने पहनेंगे, ये माला वो माला रहता है गोल्ड का, मोहन माला ये वो सभी कुछ चेंज जो भी रहते हैं बड़े बड़े, और अंगूठिया गहने और बैंगल्स, सभी बैंगल्स भी रहना ही रहना है, और कोई भी आए तो उनके फ्रेंड्स ऐसे बैठेंगे। सच में वो दिखा रही थी उनकी मम्मी के एक्शन, तो उनकी मम्मी कैसे करती है वैसे ही दिखा रही है। मैं हंस हंस के इतना ना, मुझे हंसी ना दम, मतलब दम घुट रहा है मेरा हंस हंस के। मेरी मम्मी ऐसे सबको दिखाने के लिए ऐसे बैठती है, अगर कुछ साड़ी का पल्लू ऐसा हुआ तो कि चैन और गहने दिखे, ऐसे करके बैठती है। मैं पूछती हूँ मेरी मम्मी को, मम्मी मेरे लिए एक बैंगल दो, एक अंगूठी दे दो, तो पूछे तो नहीं ये बहुत टाइट हुआ है, जब मैं थोड़ा स्लिम हो जाऊंगी ना, वेट लॉस हो जाएगा तब मैं दूंगी, नहीं बैंगल भी बहुत टाइट हो गए, निकल कर नहीं आते, छोड़ो तुम्हें क्या क्यों करना, नेक्स्ट कभी देखो आका वही आएगी ना कब तब देखूंगी। हाँ मैं इतना, मतलब बहुत सारे बातें हो गई वहां पे, मेरा आईब्रो के साथ आज बाहर गई तो मतलब
कभी कभी कुछ लोगों के साथ बात करने से ना बहुत ही हल्का दिल को खुशी मिलती है। शायद यूनिवर्स किसी को भेज देती है, मैसेज किसी के थ्रू हमको भेज देती है, वो मैं कुछ पहचान लेती हूँ। और उसके बाद शाम को मैं मंदिर गई, मंदिर जाकर वहाँ माता रानी से प्रार्थना करके आई हूँ। देखेंगे 2022 में क्या चेंजेस होंगे, होना तो है, वो तो मैं मेहनत कर रही हूँ, चेंजेस तो होना है, हमें कुछ सोच कर भी रखना है। तो मैंने मन्नत तो मांग कर आई, अच्छा लगा, देखेंगे क्या होगा। भगवान पर, माता रानी पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, तो इतना हुआ। और आरोग्य आहार गई थी वहां, वहां देखो, वहां का बताया नहीं मैंने आपको, वहां गई थी। उन्होंने सुप्रभात कुछ लिखते हैं, सुप्रभात वहां जो होटल में कहीं इसमें लिखते हैं कुछ कि एक डेली मैसेज होता है ना, जो भी कस्टमर आते हैं उनको पढ़े, वो सभी चीजें अच्छा होता है। हम कहीं होटल में जाते हैं खाना खाने के साथ हमारा नॉलेज और थोड़ा हमारा अच्छे विचार सोच भी हो जाए, तो विचार वाला कुछ वो डालते हैं वहां पर, लिखते हैं होटल में जो होटल के ओनर या मैनेजर मैनेजर जो रहते हैं, तो उन्होंने वहां पर कनाडा में है वो, मैं आपके आपको वो क्लिपिंग शेयर करूंगी, वहां उन्होंने लिखा था कुछ कि मतलब सहन, भगवान उनको ही ज्यादा, मतलब उसका टोटल मीनिंग उनको ही ज्यादा शायद ये देते हैं, कष्ट देते हैं, स्ट्रगल्स देते हैं, जिनको सहने की शक्ति होती है। कोई गलती करता है, उनका गलत गलत जो आप पता है वो क्या आपको हर्ट किया है, आपको दिल को दुख दिया है, वो सब कुछ आपको पता रहता है। आप उनको चाहे तो पनिश भी कर सकते हो, ना पावर आपके पास रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, पनिश भी कर सकते हो, उतना आपके पास शक्ति भी रहती है, लेकिन फिर भी आप इग्नोर कर देते हो, उस जगह से निकल लेते हो, वहां नहीं रहते। तो इसका मतलब कि आप में सहनशीलता, धैर्य और बहुत हिम्मत है, हिम्मत, सहिष्णुता, हिम्मत, सहनशीलता वो है आप में, वो उन्होंने वहां पर लिखा था, ठीक है, वो लिखा था। मैं खाना मतलब केटरिंग ऑर्डर करने गई थी, मैं मेरे ऑफिस में मंडे के लिए न्यू ईयर का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो केटरिंग का ऑर्डर मैं करने के लिए वहां पर गई थी, तो मैंने वो पढ़ा। पहले मेरा ऑफिस वहां पर ही था, तो मैं वहां जब भी खाना खाने के लिए जाती थी तो मुझे अच्छा लगता था। वैसा जो सुप्रभात रहते हैं, जो मीनिंगफुल एक हमारे संस्कार विचार, अच्छे विचार के जो होते हैं, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हुआ। तो उसके उसके अगले एक और भी वर्ड था, मतलब एक ये था विचार था कि आपके पास कितना भी जितना भी पैसा हो, कुछ भी कितना भी खरीदने का, लेकिन लेकिन हैप्पीनेस, खुशी और अच्छी नींद, अच्छा खाना खाना, ये सभी अपने नसीब से होता है, जिसको मिला रहता है, जो पाया रहता है, अच्छा नींद और खुशी और एक पीसफुल लाइफ जिनको जिनके पास रहती है, वही खुश नसीब है। तो उसका मीनिंग ये उन्होंने वहां पर था, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ सही है। तो आज का टोटल दिन ऐसा रहा था मेरा। बाद में मंदिर होकर शाम को अभी घर आई। घर आने के बाद अभी सत्तू के पराठे बनाऊंगी, बना रही हूँ, बनाकर खाऊंगी। थोड़ा दही भी है, बैंगन का भरता भी है, भरता कहाँ गया,
बैंगन का भरता भी है तो मैं भरते के साथ सत्तू के पराठे खाऊंगी। सत्तू के पराठे सच में बहुत ही टेस्टी था, सचमुच बहुत टेस्टी। हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। कैसा है मेरा शायरी? शायरी नहीं, ये गाना है। मैं कभी कभी वो गाना हमेशा गाती रहती, मुझे अच्छा लगता है वो गाना, बहुत ही एक खुशी फीलिंग होती है। हमारे ऑफिस में कल न्यू ईयर का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ गेम्स है, कुछ फन है और कुछ जोक्स है और कुछ खाने का कंपटीशन है और कुछ जो हमने फूड ऑर्डर किया है वो भी है, दावत है। तो कल का सभी अच्छा हो जाए, उसके बाद क्या करना, टारगेट वो करना है। देखिए गरम गरम सत्तू के पराठे, सच में ना मैंने लाइफ में पहली बार बनाई हूँ, खाई भी हूँ, मैंने रेसिपी देखा, सब कुछ देखा, बना दिया, अच्छा है। बहुत ही मतलब टेस्टी, एक हेल्दी है, हेल्दी ब्रंच। ये सब कुछ करने के बाद अभी मैंने दूध भी गरम करके यहाँ पर रखा है। आज मैं यहाँ हमेशा मैं जब भी मैं किचन में आती हूँ तो इस विंडो को मैं मोबाइल होल्डर लगाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने वहाँ एक रैक है वहां पर मैंने वो डाल दिया है, रैक को मैंने डाल दिया है। अभी मैंने यहाँ दूध गर्म किया है, अभी यहाँ ये भी हो गया, थोड़ा रसम है वो भी थोड़ा गर्म करूंगी, रसम बहुत स्पाइसी हॉट बनाई हूँ। अभी ये मेरा बैंगन का भरता, सत्तू के पराठे, ठीक है, या बटर होता तो अच्छा होता, अभी कर्ड है ना, कर्ड के साथ घी बटर अच्छा नहीं होता। पराठे को बैंगन के भरते के साथ भी आप खा सकते हो, वो भी बढ़िया रहेगा। और दही के साथ एक अचार डालकर सत्तू के पराठे को आराम से अचार और दही के साथ आप खा सकते हो, जैसे आलू के पराठे खाते हैं ना हम वैसा। लेकिन ये तो सच में प्रॉमिस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। मैंने अमेजन से मंगाई वो क्या, वो सत्तू का पाउडर आटा, सत्तू का आटा, बिग बास्केट, ठीक है। इसको खाने के बाद मैं मिलूंगी, हो सके तो, नहीं तो अभी ही मैं गुड नाइट बोलूंगी। सभी लोग अपना ख्याल रखना, हैप्पी न्यू ईयर मैं तो विश कर चुकी हूँ। मेरी लाइफ में 2022 में देवी माता, भगवान, मेरी दुर्गा माता, मेरी जगदम्बा अम्बे माँ मेरे लिए क्या गिफ्ट लाएगी, क्या खुशियां लाएगी मेरी झोली में, मेरी पल्लू में, उसी का इंतजार करते करते मैं अभी ये ब्लॉग यहाँ पर आज का ये ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। प्लीज आप भी मेरे मुझे ब्लेस कीजिए और विश भी कीजिए, आप खुश रहिए। मैं खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद किचन क्लीन करूंगी, उसके बाद मैं अपना वार्डरोब में कपड़ा समेट कर रख दूंगी, ठीक है। और क्या, थोड़ा मेडिटेशन करना है, सो जाना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक
ये नहीं, नहीं अभी खा रही हूँ ना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।